बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए स्वागत का काम जो है वो अंदर चल रहा है, चूँकि स्टेट हैंगर में वो तमाम इंतजाम किया गया था कि अंदर ही तमाम प्रोटोकॉल्स को पूरा किया जाएगा। नीतीश कुमार खुद आते हैं तो ये उन्होंने सीधे तौर पर ये एक संकेत दिया कि कितने किन इंटरेस्टेड है नीतीश कुमार तमाम चीज़ों को लेकर, और नीतीश कुमार खुद तमाम चीज़ों को देख भी रहे थे, जैसा हम बता भी रहे हैं कि देर रात तक लोगों से मिल रहे थे, पहले सुबह से तैयारियों को और लोगों का हालचाल जान रहे थे। अभी अंदर से जैसे ही दूसरी गाड़ी निकल पड़ी है, यानी अब मान के चला जाए कि कुछ मिनटों के अंदर जब स्वागत का काम पूरी तरह से पूरा हो जाएगा तो कारकेट सीधे मूव कर जाएगा यहाँ से सदाकत आश्रम की ओर। बिल्कुल, और तस्वीरें हम देख रहे हैं, बड़ी दिलचस्प तस्वीरें हैं। बिहार कांग्रेस के तमाम जो नेता कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे वहाँ पर मौजूद हैं और बारी बारी से सारे नेता उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं इस वक्त जो बिहार कांग्रेस के तमाम पुराने नेता हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए कि किस तरीके से लगातार वो मुलाकात करते हुए, उनकी गाड़ी वहीं पर मौजूद है एयरपोर्ट के अंदर ही। मुख्यमंत्री वहाँ से निकल चुके हैं, चूँकि उन्हें और भी काम है। 11 बजे मीटिंग का वक्त रखा गया है, 11 बजे मीटिंग की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाषण के साथ ही सत्र की शुरुआत होगी, और भाषण की जो रूपरेखा होगी वो यही होगी कि वो ये बताना चाहेंगे कि क्यों ज़रूरत है एकता की, और आखिर ये मीटिंग उन्होंने क्यों बुलाई है, क्योंकि हर जितने भी पार्टी के नेता यहाँ पर मौजूद हैं सबसे उनकी मुलाकात हो चुकी है और सबको वो ब्रीफ कर चुके हैं पर्सनली कि क्या क्या बात होनी है, किस तरह की मीटिंग में चर्चा रहेगी, क्या एजेंडा रहेगा। लेकिन जब एक साथ मिलकर सब लोग बैठेंगे तो देखना है कि आखिर किन मुद्दों पर और किस तरीके की बात वहाँ पर होती है। तो ये गाड़ी, राहुल गांधी अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं, तमाम कारकेट आप देख सकते हैं, व्यवस्थाएँ यहाँ पर हो चुकी हैं सारी, आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए। मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर मौजूद हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ज़ोरदार स्वागत यहाँ पर राहुल गांधी का किया गया है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुँचे वहाँ पर रिसीव करने के लिए। अभी जो बाकी नेता हैं उनके भी पहुँचने का सिलसिला जारी है। अभी शरद पवार को आना है, हेमंत सोरेन को आना है, और ठीक 11 बजे का जो वक्त रखा गया है उससे पहले ये तमाम नेता वहाँ पर मौजूद हो जाएंगे। एक बार फिर से रुक करते हैं स्वप्निल का। स्वप्निल, ये सारे लोग वहाँ से निकलने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल, गाड़ियाँ मूव करना शुरू कर गई हैं। गाड़ियाँ जो हैं वो चलती जा रही हैं, और देखिए पायलट व्हीकल्स नंबर 3, यानी जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की होती है, पहली जो पायलट व्हीकल होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के लोग होते हैं, स्टेट एजेंसी के लोग होते हैं, दूसरे में सेंट्रल पैरामिलिट्री होती है, चौथी गाड़ी जो गुजर रही है ये जैमर व्हीकल कही जाती है जो जा रही है। ये देखिए गाड़ियाँ गुजर रही हैं और अभी सब कोई एक साथ निकलते हुए, ये तस्वीरें हैं एयरपोर्ट की। यहाँ से राहुल गांधी का काफिला बढ़ चुका है और राहुल गांधी के साथ साथ तमाम बड़े चेहरे जो कांग्रेस के हैं वो निकल पड़े हैं, नीतीश कुमार भी साथ साथ निकल पड़े हैं। अब जो है यहाँ से गाड़ियाँ मूव कर गई हैं अंदर से, और यहाँ से गाड़ी सीधे सदाकत आश्रम की ओर जाएगी जो सोर्सेज बता रहे हैं। और अब बताया ये जा रहा है कि राहुल गांधी के जाने के बाद अब अखिलेश का मूवमेंट होगा, अखिलेश यादव का के आने का कार्यक्रम होगा, हेमंत सोरेन होंगे और जो बचे नेता हैं वो आएंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से अपडेट ये है कि राहुल गांधी का काफिला यहाँ से निकल पड़ा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साथ में थे, और अंदर से जो तस्वीरें हम दिखा रहे थे कि किस तरह से सिलसिलेवार ढंग से भव्य स्वागत उनका किया गया है, नीतीश कुमार से लेकर के तमाम नेता जो थे उन्होंने उनका स्वागत अभिवादन किया है। और अब जो तमाम कांग्रेस के नेता हैं वो सीधे सदाकत आश्रम की ओर जा रहे हैं, जो यहाँ एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए पहुँचे थे। अभी स्थिति ये है कि अब कार्यकर्ता भी यहाँ धीरे धीरे कांग्रेस के जो हैं वो डिस्पर्स करने लगे हैं।